नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे LG Wing। और दोस्तों LG ने अभी स्मार्टफोन्स बनाना बंद कर दिए हैं और उन्होंने अपना जो भी स्मार्टफोन्स का स्टॉक था वो अभी वो क्लियर कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट दे रहे हैं। तो LG Wing एक फ्लैगशिप फ़ोन है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फ़ोन है, बहुत ही डिफरेंट फ़ोन है, यूनिक फ़ोन है। और ये 80,000 इसका बॉक्स MRP है, बट ये 70,000 में फ्लिपकार्ट पर मिल रहा था और अभी 3-4 महीने ही हुए हैं और इसका प्राइस जो है वो 30,000 रुपीज़ में ये फ्लिपकार्ट मिल रहा था स्पेशल ऑफ़र में, सेल में। और किस्मत से हमें भी ये मिल गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए LG Wing ऑरा ग्रे कलर, ठीक है। तो यहाँ प्राइस अगर आप देखो तो ये देखिए प्राइस यहाँ पे दे रखा है 29,999, ठीक है। तो यानी कि 30,000 में ये हमें फ्लिपकार्ट से मिल गया, अच्छी किस्मत थी। जिनको नहीं मिला वो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी मिल सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल वर्ल्ड से जितना भी स्टॉक बचा हुआ था वो सारा का सारा मतलब इधर उधर शिप करके ये सारा क्लियर करने वाले हैं LG वाले, तो आपको मिल सकता है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनको नहीं मिला उन्हें मिल सकता है, दोबारा ट्राई कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये है इसका बॉक्स, तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, फ़ोन को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कैसा ये फ़ोन है, कितना यूनिक ये फ़ोन है और काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में हमें मिल गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है हार्ड केस इंक्लूडेड विंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 5G। और यहाँ पे देखें तो क्वालकम स्नैपड्रैगन लिखा हुआ है, पावर्ड बाय थिंक यहाँ पे LG लिखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में, कैमरा वगैरह के, स्क्रीन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये देखिए 80,000 इसमें प्राइस दे रखा है बॉक्स MRP। और ये है दोस्तों 8GB 128GB, ठीक है। तो चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं। वाह, तो ये है दोस्तों हमारे पास ज़बरदस्त फ़ोन, बहुत ही डिफरेंट फ़ोन, अपने जैसा इकलौता यही फ़ोन है, ये चीज़ सिर्फ इसी फ़ोन में ही है। तो सबसे पहले हमारे पास है डिवाइस, इसको थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ, पहले बाकी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ बॉक्स में क्या कुछ मिलेगा। तो एकदम बॉक्स में प्रीमियम स्मार्टफोन वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज ये सच में प्रीमियम फ़ोन है, बट प्राइसिंग इसकी इतनी कम हो गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अनएक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या कुछ मिलता है आपको बॉक्स में इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों बॉक्स में मिलेगी। यहाँ पे कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सिम इजेक्टर पिन है, ये देख सकते हो आप, ठीक है, क्विक स्टार्ट गाइड। और ये हार्ड शेल केस मिलेगा आपको, ये सिलिकॉन सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा टेक्चर दे रखा है मैट फिनिश में, ठीक है, LG यहाँ पे लिखा हुआ है। वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये बैक कवर मिलेगा आपको साथ में, ठीक है। और इसके बाद और कुछ देखें तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा देखिए बैक टू फ्रंट, ठीक है। तो इसमें आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल रहा है और इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाती है Type-C केबल, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की Type-C केबल है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो इसमें दोस्तों आपको ये मिलती है USB Type-C टू हेडफोन जैक, तो इसमें आपको 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता डिवाइस में, तो आपको ये पिन यूज़ करनी पड़ेगी हेडफोन्स कनेक्ट करने के लिए। और इसमें भी चार्जर नहीं मिला है LG Wing के अलावा, हमारे पास LG GX Think भी है और उसमें भी चार्जर नहीं मिला था, वो भी हमने स्पेशल ऑफ़र में परचेस किया था। तो चलिए दोस्तों ये सब सामान रख देते हैं अभी साइड में और आ जाते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो यार क्या बात है, क्या फ़ोन है ये, एकदम ही मतलब यूनिक डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे LG Wing लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेल मोड, यानी कि डिस्प्ले आप इसकी रोटेट कर सकते हो। गिम्बल मोशन कैमरा आपको इसमें मिल जाता है, 6.8 इंचेस की आपको फ्लॉलेस पोलेड फुल विजन डिस्प्ले मिल जाती है। और यहाँ पे डुअल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये रैपर अभी मैं निकाल देता हूँ। वाह क्या बात है। और ये फ़ोन दोस्तों थोड़ा सा मेरे को हैवी लग रहा है, ये हल्का नहीं है, लाइट वेट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये एक प्रीमियम मटेरियल से बना हुआ है, प्लस इसमें आपको डुअल डिस्प्ले मिलती है, तो ऑब्वियसली जब मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो थोड़ा सा डिवाइस का वेट तो बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाऊँ
सबसे पहले ऊपर तो यहाँ पे आपको पॉपअप कैमरा मिल जाता है, फ्रंट कैमरा पॉपअप कैमरा मिलता है आपको इसमें। एक यहाँ पे माइक दे रखा है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन्स मिल जाते हैं, पावर बटन मिल जाता है। नीचे की साइड आपको लाउड स्पीकर मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा आगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको बैक साइड में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है इसमें आपको। ठीक है, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल मिलता है आपको, 12 मेगापिक्सल एंड 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। यहाँ पे हेक्सा मोशन स्टेबलाइजेशन लिखा हुआ है, स्टेबलाइजर। और यहाँ पे एलईडी फ्लैश दे रखी है। ओवरऑल ये ग्लॉसी फिनिश है और काफ़ी प्रीमियम फील आ रही है। और इसकी जो डिस्प्ले है दोस्तों, आप देख सकते हो ये साइडों से कर्व डिस्प्ले है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल ओवरव्यू। तो दोस्तों अभी हमारा डिवाइस जो है वो सेटअप हो चुका है और आप देख सकते हो इसमें डिस्प्ले बहुत ही अच्छी दे रखी है, ज़बरदस्त डिस्प्ले है। और साइडों से कर्व है, देख सकते हो आप साइडों में कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। तो कोई भी कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन आपको 30,000 में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और इसकी ख़ास बात ये है दोस्तों कि इसमें आप डिस्प्ले को रोटेट कर सकते हो, ये देखिए क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये ट्यूटोरियल भी दे रहा है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग स्विल होम यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए तो ये थोड़ा सा हमें बता रहा है कैसे कैसे आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे आप डुअल स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही मतलब डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसा फ़ोन ना ही कोई है और ये LG का यही इकलौता फ़ोन है जो ऐसा है, और ना ही ऐसा फ़ोन कभी मोस्टली किसी ने यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए डुअल स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप नॉर्मली अपना फ़ोन यूज़ कर ही सकते हो, जैसे कि एक सिंपल डिस्प्ले होती है। ठीक है, बट यहाँ पे आप दोस्तों ये एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने ब्राउजिंग करनी है तो आप यहाँ पे क्रोम यूज़ कर सकते हो, या फिर यूट्यूब आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे गैलरी वगैरह आप देख सकते हो, कैमरा यूज़ कर सकते हो, गेम्स वगैरह यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इस डिस्प्ले पे यूज़ कर सकते हो, बाकी आप फ़ोन तो यहाँ पे नीचे यूज़ कर ही सकते हो, जैसे यहाँ पे ये सब जो आ रहा है। ठीक है, वो सब आप यहाँ पे नॉर्मली तो यूज़ कर ही पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बैक करें तो अगर मैं इसको दोबारा से उसी पोजीशन पे कर दूँ तो अब ये एक नॉर्मल फ़ोन की तरह आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि ये कोई अलग सा डिफरेंट सा फ़ोन है। और इसका ये कैमरा वगैरह का सेटअप जो है वो बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा है, एकदम मस्त चमक रहा है, क्या बात है। तो यहाँ पे ये कुछ बता रहा है कि कैसे अपने सर्च वगैरह करना है। ठीक है, और ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है, इसमें आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिलती है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाके आपको मैं दिखाई देता हूँ स्टोरेज। तो देखिए 128GB है, जिसमें से हमें 28GB जो है वो यूज़ हो रखा है ऑलरेडी। ठीक है, एंड्रॉयड 10 मिलता है इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया। तो दोस्तों बाकी चीज़ें तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बट अभी मैं आपको कैमरा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में तो दोस्तों बस मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करनी थी और आपको फ़ोन दिखाना था, और आपको इसकी एक चीज़ दिखा देता हूँ, सिम ट्रे कैसी है। इसकी सिम ट्रे फ़ोन की तरह ही थोड़ी डिफरेंट है, देख सकते हो आप यहाँ पे रबर का गैस्केट दे रखा है ताकि पानी वगैरह ना जाए। और यहाँ पे आप दो नैनो सिम लगा सकते हो, या फिर आप एक नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा के इसे एक्सटेंड कर सकते हो इसकी इंटरनल मेमोरी को। और ये प्लास्टिक का लग रहा है मुझे, इसकी सिम ट्रे प्लास्टिक की है, मेटल की नहीं है। आई थिंक मेटल की होनी चाहिए थी, बिकॉज फ़ोन इतना महंगा है तो मेटल की देनी चाहिए थी मुझे लगता है। ये सिम ट्रे हो गया। और कवर दोस्तों जो मिला है ये काफ़ी सही कवर है इसके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये फ्लैगशिप है। ठीक है, क्योंकि ये आगे से रोटेट हो जाता है तो ये कवर ऊपर तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए कवर लगने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जस्ट अभी मैं इसका दिखा देता हूँ कैमरा। तो कैमरे में अगर हम जाएँ तो काफ़ी कुछ बता रहा है अभी। तो यहाँ पे आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, फ़ोटो का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट है। ठीक है, AR स्टिकर्स वगैरह है। ठीक है, ये सब आपको कैमरे में ऑप्शंस मिल जाते हैं। और स्लो मोशन में देखें तो आप इसमें स्लो मोशन अच्छा खासा
शूट कर सकते हो, ठीक है। स्लो मोशन का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। वीडियो में आपको मैं रेजोल्यूशन चेक करा देता हूँ। तो देखिए 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हो, 4K भी है इसमें, ठीक है, 4K 60 FPS भी है, ठीक है। और फ्रंट कैमरा आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रंट कैमरा दोस्तों जो है इसमें वो पॉपअप कैमरा मिलता है, ठीक है, देख सकते हो आप, ये पॉपअप कैमरा है जो कि फ्रंट कैमरा है, और ये काफ़ी आराम से निकल रहा है, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए था। देखो जब कैमरा निकलता है तो यहाँ पे कुछ एक स्क्रीन पे इफेक्ट सा भी आ रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, और ये वीडियो मैंने जल्दी में बनाई है, और इस वीडियो के बाद मैं इस फ़ोन को अच्छी तरह से टेस्ट करके इसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कैमरा टेस्ट करेंगे हम इसका, और भी इस फ़ोन में जो बाकी चीज़ें हैं। इसमें आपको गिम्बल मोड मिल जाता है, कैमरा एक गिम्बल की तरह भी काम करता है, तो वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में जस्ट हमने अनबॉक्सिंग करनी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।